गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द सिलेबस अगेन। वी आर गोइंग टू रीड लेसन 5, द स्नेक एंड द मिरर ऑफ बीहाइव। बिफोर यू रेड, डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? क्या आप मिरर में अपने आप को देखना पसंद करते हो? व्हाट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स? और जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो ऐसे टाइम आप क्या सोचते हो? हैव यू एवर सीन अ डॉग, अ कैट और अ बर्ड लुक इन टू अ मिरर? क्या आपने कभी एक डॉग को, एक कैट को या किसी पक्षी को मिरर में देखते हुए देखा है? व्हाट डू यू थिंक इट सीज? और आपके विचार से कोई डॉग, कोई कैट या कोई बर्ड क्या देखता है? नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर, अ स्नेक एंड अ मिरर। आओ अब हम इस ह्यूमरस, हंसाने वाली इस कहानी के बारे में पढ़ते हैं, जो एक डॉक्टर, एक सांप और एक मिरर के बारे में है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, और आप इसको जब आप इसको सुनोगे, पढ़ोगे, तो आपको भी ये बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। हैज अ स्नेक एवर कॉइल्ड? कॉइल्ड होता है कुंडली मारना, किसी भी चीज के चारों तरफ लिपट जाना। हैज अ स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? क्या किसी सांप ने कभी आपके शरीर के किसी पार्ट यानी कि किसी हिस्से के चारों तरफ कॉइल किया है या कुंडली मारी है? अ फुल ब्लडेड कोबरा, एक पूरी तरह काला कोबरा। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, और हम सब बिल्कुल चुप हो गए। ये कहानी सुनाई जा रही है ग्रुप में, तो यहाँ जो कहानी सुनाने वाला है वो कहता है कि हम सब बिल्कुल चुप हो गए। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ, एक होम्योपैथ डॉक्टर की तरफ से ये क्वेश्चन आया। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स, जब हम सांप के बारे में बातें कर रहे थे तो ये टॉपिक केम अप में सामने आ गया। वी लिसनड अटेंटिवली एट द डॉक्टर कॉन्टिन्यूड विद हिज टेल, फिर हम ध्यान पूर्वक डॉक्टर को सुनने लगे जो अपनी कहानी के साथ उसने कंटिन्यू कर दी। इट वॉज अ हॉट समर नाइट, यह एक बहुत गर्मी वाली गर्मियों की रात थी और गर्म रात थी, गर्मी थी बहुत। अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे का टाइम था। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम, मैंने रेस्टोरेंट में अपना खाना लिया और अपने रूम पे लौट आया। आई हर्ड अ नॉइस फ्रॉम अबव, ऊपर से मुझे एक आवाज सुनाई दी। एंड आई ओपन द डोर, और मैंने दरवाजा खोला। द साउंड वॉज अ फैमिलियर वन, ये जो आवाज थी वो बिल्कुल जानी पहचानी थी, फैमिलियर थी। वन कुड से दैट, कोई भी कह सकता था, द रेट्स एंड आई शेयर द रूम, कि जो चूहे थे और मैं, हम सब रूम शेयर करते थे, यानी कि चूहे भी उसी रूम में रहते थे और मैं भी। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे चूहे उस राइटर के रूम में रहते थे। यहाँ पे जो राइटर है वो इस कहानी को सुना रहे हैं। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस, मैंने माचिस का बॉक्स निकाला। एंड लाइटेड द कैरोसिन लैम्प ऑन द टेबल, और टेबल के ऊपर, कैरोसिन मतलब मिट्टी का जो तेल होता है, मिट्टी के तेल से जलने वाला जो लैम्प था उसको जला दिया। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, घर जो था उसमें बिजली नहीं थी। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम, यह एक छोटा सा किराए पर लिया हुआ कमरा था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस, और इससे, इस लाइन से हमें पता चल रहा है कि जो राइटर है वो डॉक्टर है और वो मेडिकल प्रैक्टिस के लिए वहां रहने गया है। तो वो मेडिकल, वो कहते हैं कि मैंने अभी अभी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की थी। एंड माई अर्निंग्स वर मियगर मतलब कम होना, और मेरी जो अर्निंग्स थी, जो मेरी जीविका थी, कमाई थी, वो बहुत कम थी। आई हैड अबाउट 60 rupees इन माई सूट केस, मेरे पास लगभग, अबाउट मीन्स लगभग 60 rupees थे मेरे सूट केस में। अलोंग विद सम शर्ट्स एंड धोतीज, और उनके साथ ही कुछ शर्ट थी उसके अंदर, सूट केस के अंदर, और धोतीज थी। आई ऑल्सो पजेस्ट वन सोलेटरी ब्लैक कोट, सोलेटरी मीन्स अकेला, और मेरे पास एक अकेला काला कोट भी था, विच आई वॉज देन वियरिंग, जो उस टाइम मैंने पहना हुआ था। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, मैंने अपना काला कोट उतारा, वाइट शर्ट
एंड नॉट सो वाइट वेस्ट, मैंने अपना काला कोट, सफेद शर्ट और एक वेस्ट मतलब बनियान उतारी, नॉट सो वाइट, बनियान जो थी वो ज्यादा सफेद नहीं थी, हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत पुरानी थी, एंड हंग देम अप, और उनको ऊपर लटका दिया, आई ओपन द टू विंडोज इन द रूम, और फिर मैंने कमरे में दो विंडोज को खोल दिया, इट वॉज एन आउटर रूम, यह एक बाहरी कमरा था, विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, जिसकी एक दीवार खुले आंगन की तरफ थी, इट हैड अ टाइल्ड रूफ, इसकी जो छत थी वो टाइल से बनी हुई थी, विद लॉन्ग स्पोर्टिंग गैबल्स, जिसके ऊपर एक लंबा स्पोर्टिंग गैबल था, गैबल जो होता है यहाँ आप देख सकते हो ये ट्रायंगल शेप का गैबल, गैबल अपर पार्ट ऑफ अ वॉल, दीवार का ऊपर वाला हिस्सा होता है, बिलो अ स्लोपिंग रूफ, जो ढलान वाली छत के नीचे होता है, ये जैसे ढलान है छत की, ये वाली ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो ये इसके बिलो मतलब उसके नीचे होता है, तो ये एक टाइल रूफ थी, जिसके जो स्पोर्टिंग गैबल्स यानी कि गैबल्स को सपोर्ट कर रही थी, दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल, जो दीवार के ऊपर जो बीम था उसके ऊपर ये गैबल जो था वो लगे हुए थे, ये जो बीम है नीचे इसके ऊपर ये गैबल्स लगे हुए, देयर वॉज नो सीलिंग, और उसके ऊपर कोई छत नहीं थी, खुला था वो ओपन था, देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम, बीम से या फिर बीम की तरफ, कभी वो बीम के अंदर जाते कभी बीम से बाहर आते, रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स, चूहों की नियमित रूप से ट्रैफिक, ट्रैफिक मीन्स एक लाइन में बहुत सारी संख्या में एकदम से आना, ऐसे वो आते रहते थे, आई मेड माई बेड, फिर मैंने अपना बिस्तर तैयार किया, एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, और इसको दीवार के पास, दीवार के बिल्कुल पास खींच लिया, आई ले डाउन, मैं लेट गया, बट आई कुड नॉट स्लीप, पर मैं सो नहीं सका, आई गोट अप, मैं उठा, एंड वेंट आउट टू द वरेंडा फॉर अ लिटल एयर, और फिर मैं बाहर चला गया बरामदे में थोड़ी हवा के लिए, बट द विंड गॉड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ, पर जो हवा का देवता था, सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ, वो ऐसा लग रहा था जैसे आज वो छुट्टी पे हो, वो कहीं चला गया हो, जैसे हवा बिल्कुल भी बाहर नहीं हो। लेट्स स्टॉप हियर, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन वी विल रीड इट टुमारो।